थकावट, आए दिन थके महसूस करना और एनर्जेटिक नहीं रहना और यहाँ वहाँ दर्द होना, ये बहुत कॉमन है, खासकर महिलाओं में कॉमन है, पुरुषों को भी होता है और कई बार बच्चों में भी ऐसा होता है। क्यों होता है ऐसा? ये इसके बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं। एक कारण, कई बार हम पानी कम पी रहे होते हैं, डिहाइड्रेशन से भी थकावट महसूस होती है और बॉडी एक हो सकते हैं, ठीक है। तो पानी पीने की आदत बनाइए। मेरे पास यहाँ पर जग रखा होता है, देखिए यहाँ ग्लास रखा होता है, लगातार मैं पानी पीता रहता हूँ, ठीक है। तो पानी पीने की एक हैबिट होनी चाहिए। विटामिन डी की कमी यहाँ वहाँ दर्द और थकावट का एक कारण है। विटामिन B12 की कमी बहुत लोगों को नहीं पता होती है, विटामिन B12 की कमी से भी होता है। विटामिन डी सनलाइट एक्सपोजर से, मिल्क में, एग में और नॉन वेजिटेरियन फूड में होता है। विटामिन B12 नॉन वेजिटेरियन फूड में होता है और हेल्दी बैक्टीरिया के थ्रू भी मिलता है और कुछ नट्स से भी मिल जाता है। तो इनकी कमी और इनको सप्लीमेंट भी किया जा सकता है। फिर स्ट्रेस, डिप्रेशन, स्लीप या आपके इर्द गिर्द साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, आपके घर में चिक-चिक मची हुई है, तब भी आपको बॉडी एक वगैरह यहाँ वहाँ हो सकते हैं और थकावट की फीलिंग हो सकती है। आप किसी चिंता से घिरे हुए हैं, उससे भी ये जो फिजिकल सिम्टम्स आ सकते हैं। तो उसके लिए आपको रिलैक्स होना चाहिए, स्लीप अच्छी लेना चाहिए। दुनिया भाड़ मच जाए, जब मैं सो रहा हूँ तो सो रहा हूँ, इस तरह से रहना शुरू कीजिए। और एक्सरसाइज करना, योगा करना, वॉक करना, प्रकृति के निकट जाना, ये सबसे भी आपका स्ट्रेस भी कम होगा और बेटर फील करेंगे। सनलाइट, एक जब बहुत धूप ना हो उसमें सनलाइट एक्सपोजर आपके कई तरह के एक्स को कम करने में बहुत मददगार साबित हो सकती हैं। हॉट वाटर बाथ, यदि गर्म पानी से आप नहाएंगे तो भी उनमें कमी आ सकती है। कभी कभी आप सिकाई वगैरह कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग, कोई भी यदि फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे हैं, कई बार लोग ये गलती करते हैं कि जिम जाते हैं या कोई गेम खेलते हैं और स्ट्रेच नहीं करते मसल्स को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वार्म अप और स्ट्रेच करना, पहले वार्म अप मतलब धीरे धीरे बॉडी को में ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, मसल्स एक्सटेंड हों जो संकुचित सी पड़ी हुई हैं, और थोड़ी स्ट्रेचिंग करें, तब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको इंजरीज नहीं होंगी और पेन नहीं होंगे। और सिटिंग पोस्चर गलत होने से या लंबे समय से सिटिंग तक होने से बैकएक होना बहुत कॉमन है। एक और कारण है बैकएक का, वह आपके गद्दा यदि सही नहीं है, आपका जो जिसमें आप सो रहे हैं वो सरफेस अनइवन है या दबा हुआ है गद्दा, तो उसको चेंज कीजिए, ठीक कीजिए। बिल्कुल फ्लैट, फॉर्म फ्लैट होना चाहिए, उसमें कंप्रेशंस नहीं होने चाहिए अलग अलग जगह पर, इसकी वजह से भी पीठ दर्द बहुत बार होते हैं। और यदि आपको डिप्रेशन है या कोई आर्थराइटिस जैसी समस्या है तो उसके लिए आप डॉक्टर से मिलकर जरूर ट्रीटमेंट लीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं हूँ डॉक्टर अभिजीत अग्रवाल, स्वस्थ जन समृद्ध राष्ट्र। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको प्रैक्टिकल लगी होगी आपकी अपनी हेल्थ के लिए। यदि अच्छी लगी तो औरों तक पहुँचाइए। थैंक यू।